ये नाग अपने ही राजा पंचभन को नागलोक के भीतर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों कर रहे हैं? नागराज पंचभन जी तो आपके महाराज हैं, आप उनको ही नहीं पहचानते। हमारे राजा तो मेघासुर हैं, हम किसी अन्य को नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। ये सब इतने उग्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे, चले जाओ। भुनक्तु सवीर्यं करवावहे। पढ़ो आगे के मंत्र। करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 आवहे। शीघ्र ही मैं गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर उड़ने के योग्य हो जाऊंगा। हम इनसे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, इतने अशक्त हो चुके हैं हम। ये सब उस हनुमान के छल के कारण हुआ है। भैया ने कहा था कि हमें अंतिम सांस तक अपनी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। हम उड़ नहीं सकते तो क्या, हम लड़ तो सकते हैं। हनुमान भैया अवश्य आएंगे हमारी सहायता करने के लिए। तब तक हमें स्वयं को बचाए रखने के लिए इन सियारों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कब तक करेंगे हम सामना, अशक्त हो चुके हैं हम। शीघ्र ये सियार हमारा आखेट कर लेंगे। प्राण बचाना तो भागो यहाँ से। नहीं आखेट करेंगे ये सियार, ये सियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा राजा होने के नाते तुम सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जितान तक इन सबको गुफा के भीतर लेकर जाओ, इन सियारों को मैं संभालता हूँ। नहीं महाराज, मैं इनका सामना करूंगा। भीतर लेकर अभी। जी महाराज। सब गुफा के भीतर ही रहना, मैं किसी सियार को भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान, मेघासुर ने अपनी माया से इन सबके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है, ये सब उसके वश में है। अब यहां मेरी कोई नहीं सुनेगा। जब तक इनका सम्मोहन टूटेगा नहीं, तब तक ना तो ये मेघासुर के बारे में कुछ बताएंगे, ना ही हमें अंदर जाने देंगे। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे सम्मोहन तोड़ने की
विद्या दी थी, उस विद्या से मैं इन सबका सम्मोहन तोड़ दूंगा। ओम सूर्याय नमः, ओम गुरुदेव सूर्यदेव नमः, ओम सूर्याय नमः। हे गुरुदेव सूर्यदेव, आपके द्वारा दी गई सम्मोहन तोड़ने की सीख की आज मुझे आवश्यकता पड़ गई है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गुरु से पाया था जो ज्ञान, ध्यान करे उसका हनुमान। मंत्र को अपना मित्र बनावे, उसके सब संकट कट जावे। जहाँ ना मित्र ना और सहाय, वहाँ धैर्य बस महा उपाय। जय हो जग के संकट हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम में से कोई भी भीतर नहीं जा पाएगा, हट जाओ। कोई अंदर नहीं जाएगा, किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान भैया अवश्य आएंगे पंख लेकर, तब तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। कोई नहीं आएगा, ये जटायु जी भी महाराज होने के योग्य नहीं है। उस नाग बालक को यदि उस दिन यहाँ दिव्य पंख देखने की अनुमति नहीं दी जाती तो छल नहीं होता। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। और उस मेघासुर ने मेरे साथ छल किया, मैंने भी तो अपनी ही गरुण जाति के साथ छल किया है। कहीं ये उसी छल का दंड तो नहीं है? वो देखो, हमारी गरुण प्रतिमा, उसकी आवाज समाप्त हो रही है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। नहीं, गरुण प्रतिमा की आभा क्षीण होने का अर्थ है कि किसी ने उस दिव्य पंख को जागृत करने के लिए यज्ञ आरंभ किया है, जिससे कि उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। शीघ्र यदि इसे हनुमान भैया ने नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। Thank you.
अवश्य उस मेघासुर ने उड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब हम सब पर भारी संकट आने वाला है। प्रणाम महाराज। लगता है हमें कुछ हो गया था, किंतु समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। मेघासुर ने अपनी माया से सभी नागों को सम्मोहित कर लिया है। ये सुमेरु के महाराज केसरी के पुत्र हनुमान हैं। इन्होंने ही तुम्हें सम्मोहन से मुक्त कराया है। प्रणाम हनुमान, हम आपके आभारी हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। महाराज पंचफन की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। नहीं होने दूंगा। करुण प्रतिमा काली पड़ गई है। हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। अब हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। दिव्य पंख की शक्ति अब मुझे प्राप्त हो चुकी है। अब मैं उड़ सकता हूँ, आकाश में विचरण कर सकता हूँ। चितांतक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेघासुर, हम आपके विश्वसनीय सैनिक हैं। आपने कहा था कि हमें भी उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। मुझे मुक्त कर दीजिए नागराज मेघासुर। अवश्य कर देंगे मुक्त। आपने हमें इतना शक्तिशाली जो बना दिया है, आपको तो हम पुरस्कार भी देंगे। और पुरस्कार में हम आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु देंगे, अपना विश। आप करोड़ों का सर्वनाश होगा और गरुड़ों के आचार्य जी, सबसे पहले आहुति आपकी। सत्य है, बुराई का साथ देने वालों का बुरा ही होता है। गरुड़राज जटायु, मुझे क्षमा कर देना। Oh,
पुरोहित जी के आसपास। ये तो नागव्यूह है। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान रुक जाओ, दुष्ट मेघासुर ने पुरोहित जी के चारों ओर नागव्यूह बना रखा है। तो जाकर थोड़े बड़े हनुमान रुक जाओ, उस घेरे के भीतर मत जाओ। हनुमान, हनुमान! आचार्य जी, आचार्य जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। जग रहो हनुमान। पुरोहित जी, आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। पंचपन जी, प्रतीत होता है इन पर मेघासुर ने विष का प्रयोग किया है। पुरोहित जी कुछ बताना चाह रहे हैं हनुमान। कही आचार्य जी, क्या कोई विशेष बात है? वो खग विद्या। हाँ हाँ, खग विद्या। मंत्र पट्टिका भीतर। मंत्र पट्टिका भीतर छूट गई है। एक क्षण। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। जरूर अपने उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आप पे आश्रित है पुरोहित जी। इस मंत्र से अवश्य ही विष का प्रभाव कम हो सकेगा। पुरोहित जी, कृपया अपनी आंखें खुली रखिए। ये मेरा एक प्रयास है, हो सकता है इससे पुरोहित जी पर बड़े विष का प्रभाव कम हो जाए। पट्टिका को प्राप्त करना आवश्यक है पंचपन जी। हनुमान, नागव्यूह जागृत हो चुका है, अब तुम वहां जाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। हनुमान मत जाओ, रुक जाओ। हनुमान वहां मत जाओ। एक और बड़ा संकट आने वाला है। अब हमारे अंडे ऊपर रखे हैं, हम उड़ नहीं सकते। हमारी स्त्रियां कब तक इनकी रक्षा करेंगी? सुनो, अंडों को नीचे फेंक दो, हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें उचित स्थान पर लेकर जाएंगे। अंडों को इनके स्थान से हटाना उचित नहीं है, इन्हें यही रहने दीजिए। देवी, हम भी उन्हें अपने स्थान से नहीं हटाना चाहते हैं, किंतु बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर इन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँचाया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं महाराज, हम अंडे नहीं हटाएंगे इनके स्थान से। हाँ।
मंत्र पटीका। सूर्योदय से पूर्व ही मुझे दिव्य पंख भी ढूंढना ही होगा, अन्यथा गरुड़ उड़ नहीं पाएंगे। कहाँ है मंत्र पटीका? ये ध्वनि पंचपन जी, ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम नहीं माने। अब तुम उस नागव्यूह में घिर चुके हो हनुमान। नागव्यूह? संभाला हनुमान अपने आप को। महावीर बजरंग स्वस्ति कर, तत्पर सदा जगत के हित पर, निज हित बोध शून्य हनुमान, एक विश्व मंगल पर ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेघासुर की नागव्यूह की ये विषैली धुन संकट का संकेत है, परंतु खग विद्या की मंत्र पट्टिका कहाँ है? उसे प्राप्त करना आवश्यक है, उसके बिना गरुड़ों की उड़ने की शक्ति नहीं लौट पाएगी। मित्र हनुमान, नागव्यूह प्रबल हो रहा है, शीघ्र बाहर आइए, मैं आपकी सहायता करने आ रहा हूँ। नहीं पुत्र भूषण, दुष्ट मेघासुर के मायावी नागव्यूह में उसके नागों के अतिरिक्त अन्य किसी का भीतर जाना भी संभव नहीं है पुत्र। और यदि तुमने भी प्रयत्न किया तो ये तुम्हें भी आहत कर देगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि करल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीत क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुणों के एक तारण हारा, अचल अडिग के शरी कुमार। पुत्र भूषण, पुत्र भूषण, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ पुत्र। पुत्र भूषण, भूषण, पुत्र। ईश्वर की कृपा है पुत्र, कि तुम सकुशल हो, अन्यथा इस नागव्यूह के मात्र स्पर्श से तुम्हारा घोर अनिष्ट हो सकता था पुत्र। पिताश्री, ये विषाक्त नागव्यूह तो भयंकर रूप ले रहा है, हनुमान इससे बाहर कैसे आएंगे? हे शिव शंकर, हे महादेव,
बालक हनुमान के प्राण संकट में आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु। ये क्या हो रहा है मुझे? पिताश्री, क्या हनुमान भी इस नागव्यूह को खंडित कर अपना बचाव नहीं कर सकते? पुत्र, अत्यंत विषैला है मेघासुर द्वारा रचित नागव्यूह, जिसकी अंतिम परिणति है नागपिंजर, जिसमें हनुमान फंसता जा रहा है। अब हनुमान कैसे स्वयं तोड़ पाना असंभव है पुत्र। अपना बंदी बनाता जा रहा है, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पिताश्री, इस नागपिंजर ने तो हनुमान को बंधक बना लिया है। नहीं चाहिए मुझ महान दम वाली को, प्रमाण चाहिए। कालनेमी ने मुझे समाचार दिया था कि वह हनुमान मरकट मेघासुर के नागव्यूह में बंदी बन चुका है और मेघासुर ने गरुड़ों के दिव्य पंख को प्राप्त कर लिया है, तो वो उस दिव्य पंख को लेकर मुझे सौंपने क्यों नहीं आया? प्रणाम महाराज बाले, महानतम बाले। लंकेश दशानन रावण का यहां उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे सारे छल सफल हो रहे हैं। योजना के अनुसार मेघासुर उस वानर बालक को हमारे मार्ग से हटाकर जटायु को हमारा आदेश सुनाने जा रहा है। प्रतीत होता है एक अग्निपुंज तीव्र गति से आकाश को भेदता हुआ गरुड़ राज्य की तरफ आ रहा है। यह अवश्य किसी नए संकट का संकेत है, जिसके प्रकाश के कारण मैं उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। महाराज, ये आपके हनुमान के ऊपर अटूट विश्वास का दुष्परिणाम है कि हमारे गरुड़ राज्य पर एक के बाद एक गंभीर विपदाओं ने धावा बोल दिया है। सेनापति चित्रकेतु जी, इस विपदा की घड़ी में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा शांत रहिए।
प्रतीत होता है, इस विषैले धुएं के कारण मित्र हनुमान के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। उनकी रक्षा का कोई तो उपाय होगा। ये विषैला मायावी धुआं, इन नागों की भंकार की ध्वनि, दोनों मिलकर मेरे मस्तिष्क को शिथिल कर रहे हैं। महारानी शैनी जी, यदि ये किसी शत्रु का आक्रमण हुआ तो हमारे अंडों का क्या होगा? हमारे अंडों की सुरक्षा कौन करेगा? महाराज स्वयं गरुड़ राज्य की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम उन पर एक और समस्या का बोझ नहीं डाल सकते। खगिका, अपने अंडों की सुरक्षा हमें स्वयं अपनी गरुड़ी विद्या से करनी होगी। जी महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। तस्य वभ्रपोदकस्य च सात्रासाहस्याहम्। ईश्वर इनकी रक्षा कीजिए। मन्योस्त्राचार्मिव धन्वनो विमुञ्चाति रथो इव। पिताश्री, नागव्यूह का ये विष तो हनुमान को और प्रभावित कर रहा है। मेघासुर द्वारा रचित नागव्यूह को खंडित करना अत्यंत जटिल कार्य है। अब तो मुझे भी यही चिंता सता रही है। हनुमान के प्राणों की रक्षा अत्यंत कठिन है। कुछ कीजिए पिताश्री, कुछ कीजिए। हनुमान को विष्ट पूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया है। हमें उसे जागृत रखना होगा। यदि उसने अपनी चेतना खो दी तो उसके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। मित्र हनुमान संभालो। हनुमान सजग रहो। भयंकर ध्वनि के इस कोलाहल में कौन मुझे पुकार रहा है? हनुमान! 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 पुत्र हनुमान, अपने आप को हनुमान, 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 we'll be right back.
नागव्यूह के मायावी नाग पिंजर में बंदी हूँ। इस विष ने मेरे मस्तिष्क पर वश कर लिया था। यदि मैं अति शीघ्र यहाँ से मुक्त नहीं हुआ तो ये विष मुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मुझे यथासंभव प्रयास कर यहाँ से निकलना ही होगा। हनुमान इन मायावी नागों के संपर्क में मत आना। तुम्हारे शरीर का जो विभाग इनके संपर्क में आएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। हनुमान श्री, मित्र हनुमान के हाथ और पैर दोनों अनुपयोगी कर दिए इन नागों ने। को इस विशाल नाग से बचना होगा। यदि इसने हनुमान के मुख पर वार कर दिया तो हनुमान जड़ होकर सदा के लिए इस पिंजरे में बंदी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा हनुमान जिससे तुम किसी भी नागव्यूह को भेदने में सक्षम हो जाओ। प्रतंके वटरुषोणां सर्वासां रमं विषम। प्रतंके वटरुषोणां सर्वासां रमं विषम। ताभुवं न ताभुवं वेत्वमसिता। मित्र हनुमान कुछ बोल रहे हैं। हनुमान तो सूर्य मंत्र का जाप कर रहा है। यह मंत्र तो नागव्यूह तोड़ने का एकमात्र उपाय है। आश्चर्य, हनुमान को इस मंत्र का ज्ञान है।
मेघासुर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा अंत करने।